हे वेलकम बैक माय अनदर वीडियो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी फैक्ट वीडियो को एडिट कैसे कर पाओगे, उस वीडियो में टेक्स्ट कैसे दे पाओगे, उस वीडियो में इफेक्ट कैसे दे पाओगे और उस वीडियो को कट पेस्ट कैसे करोगे, सब कुछ आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही कमाल की वीडियोज़ लाते रहते हैं। और दोस्तों आपने जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, जिससे मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस ला सकूं। तो दोस्तों मैं यहां पर अब आपको लेके चलता हूं अपनी काइन मास्टर में और वहां पर समझाता हूं कैसे क्या करना होगा। तो दोस्तों यहां पर आपको सबसे पहले इसका जो है साइज सेलेक्ट कर लेना होगा। यहां पर आपको 9:16 वाला रेशियो ले लेना होगा। फिर इसके बाद में क्रिएट पर क्लिक कर देना होगा। जब यहां पर इतना क्लिक कर देते हो आपकी गैलरी में सीधे आपको ले जाएगा, आप जहां पर भी वीडियो को डाउनलोड कर रखे हो उस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद में यहां पर एनिमेशन वीडियोज को एडिट करने के बारे में बताऊंगा। अगर आप किसी और टॉपिक पर एडिट करना चाहते हो तो आप कमेंट करना, हम उसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे। हम फिलहाल आज एनिमेशन वाली वीडियो फैक्ट वीडियोस को एडिट करना सिखाएंगे, अगली वीडियो में हम कवर कर देंगे। अगर आप जो है लाइफ हैक से रिलेटेड या किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं उसके ऊपर भी कमेंट कर देना, हम वीडियोस एडिट के ऊपर बना देंगे। तो गाइज यहां पर मैं वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूं जिस वीडियो को मैं एडिट करने वाला हूं। तो गाइज यहां पर मेरे में बहुत सारे वीडियो डाउनलोड किए पड़े हुए हैं। तो गाइज यहां पर मैं सबसे पहले इन्हें रेंडर कर लेता हूं। रेंडर करने के बाद में यहां पर आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको यहां पर कट पेस्ट शुरुआत में ही कर लेना होगा, क्योंकि इसके अंदर जो है शुरुआत में कुछ इसके शुरुआती पॉइंट चलते हैं, जैसे कि इसकी नंबरिंग वगैरह चलती है, उसको आपको सबसे पहले कट कर देना। जहाँ से सीन शुरू हो रहा है वहाँ पर करिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस लेयर पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद में ट्रिम पर क्लिक कर देना। ट्रिम पर क्लिक करने के बाद में ट्रिम लेफ्ट पर क्लिक कर देना। इतना क्लिक करने के बाद आपका फालतू पार्ट कट जाएगा। कटने के बाद में आपको सिंपल सा इसी लेयर पर फिर से क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद में ऊपर आपको स्क्रॉल करना होगा, पैन एंड जूम पर क्लिक कर देना होगा। फिर इसके बाद में आपको इस वीडियो को जूम कर लेना होगा। इसको इतना जूम करना होगा कि ये आपका वीडियो देखने में अच्छा लगे, जैसे कि सब फैक्ट वाले वीडियोस एडिट करते हैं। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हो मैंने इतना इसको जो है जूम कर लिया। इससे ज़्यादा जूम मत करना वरना देखने में अच्छा नहीं लगेगा। फिर इसके बाद में यहाँ पर एक पाउस का ऑप्शन है, इस पर आपको टैप कर देना होगा। इससे आपका जो है साइज बार बार कम ज़्यादा नहीं होगा। फिर इसके बाद में आपको बैक चले जाना होगा। आपका इतना हो चुका, अब इसमें आप कट पेस्ट करोगे तब आपका ये साइज छोटा बड़ा नहीं होगा, ये एक साइज में ही आपका वीडियो रहने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर कैसे क्या करना होगा, आप अपनी स्टोरी को देख लेना कि आप कहाँ तक एक मिनट के अंदर स्टोरी को कवर कर सकते हो। जैसे कि आपको इसको ट्रिम करना है, इस पर आपको सिंपल सा लेयर पर टैप कर देना होगा, फिर ट्रिम पर क्लिक कर देना होगा। फिर यहाँ पर स्प्लिट का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। फिर आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना होगा, जैसे कि बीच का पार्ट मुझे हटाना है, फिर स्प्लिट कर देना। तो गाइस यहाँ पर ये इतना पार्ट मुझे वेस्ट लग रहा है कि इस पार्ट में कोई दम नहीं है, तो इस पर आपको सिंपल सा टैप कर देना होगा। यहाँ पर डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करके डिलीट कर देना होगा। इससे क्या होगा, आपका फालतू का पार्ट कट हो जाएगा। कट होने के बाद में ऐसे ही आप जो है अपने वीडियो को ट्रिम कर लेना, थोड़ा थोड़ा करके ट्रिम कर लेना। आप जो है लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट स्टोरी में कवर कर लेना। इसको एक मिनट में ही आपको लाना है, एक मिनट के अंदर होगा तभी आपकी स्टोरी जो है शॉर्ट फीड में जाएगी, वरना आपका फुल वीडियो हो जाएगा तो आपका जो है शॉर्ट फीड में जाने वाला नहीं वीडियो, तो इसलिए एक मिनट के अंदर ही रखना होगा। तो गाइज यहाँ पर मैंने इतना एडिट कर लिया। आप सबसे पहले तो एक बात और ध्यान दे लेना, जिससे वीडियो की लेंथ और छोटी हो जाएगी। आप जैसे कि इसी लेयर पर क्लिक कर देना और स्पीड पर क्लिक कर देना, तो यहाँ पर आपको 1.5 पर कर देना होगा। इतना करने से यह होता है आपकी ड्यूरेशन कम हो जाती है, आपकी वीडियो की लेंथ कम हो जाती है, आपका वीडियो स्पीड में चलना शुरू हो जाता है। लेकिन वीडियो की लेंथ जब छोटी हो जाती है तो आपको कट पेस्ट ज़्यादा नहीं करना होता, आपका पूरा पूरा लगभग वीडियो कवर हो जाता है। ऐसे ही आप जो है इसको कट पेस्ट कर लेना, अब मैंने जैसे बता दिया। अब यहाँ पर बात आती है टेक्स्ट की, तो आप टेक्स्ट कैसे दे सकते हो, आपको सिंपल सा लेयर पर क्लिक कर देना होगा, फिर टेक्स्ट पर क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर कोई टेक्स्ट देकर आपको दिखा देता हूँ। तो गाइज यहाँ पर मैंने टेक्स्ट डाल दिया, शरारती मेमना। तो गाइज इसमें आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले तो यहाँ फॉन्ट पर क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर रोबोटो बोल्ड पर क्लिक कर देना होगा। ये फॉन्ट मोटा हो जाता है जिससे देखने में अट्रैक्टिव लगता है। फिर इसके बाद में क्या करना होगा, आपको चाहिए तो व्हाइट रख सकते हो, अगर आप नहीं चाहते हो तो आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। तो गाइज यहाँ पर आप चाहो तो रेड भी कर सकते हो। इतना रेड करने के बाद में आपको क्या करना होगा, आपको ऊपर स्क्रॉल करना होगा, फिर यहाँ पर बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करके आपको ऊपर इनेबल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना। फिर इसके बाद में आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। फिर यहाँ पर येलो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। फिर नीचे आपको इंटेंसिटी का ऑप्शन मिलेगा, इसको आप जो है फुल कर देना। फुल करने के बाद में आपको टिक पर क्लिक कर देना होगा। फिर इसके बाद में ये आपका देख लीजिए
टेक्स्ट पूरे पर नहीं चल रहा है तो आप फुल विड्थ बैकग्राउंड का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना, ये आपका फुल हो जाता है, यानी कि आपका ये टेक्स्ट पूरे स्क्रीन पर चलना शुरू हो जाता है, तो ये देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो गाइज यहाँ पर ये देख लीजिए, ऐसा कुछ मैंने यहाँ पर टेक्स्ट दे दिया, तो ये टेक्स्ट आपको पकड़ के खींच के पूरे वीडियो पर ले लेना होगा, ऐसा नहीं है आपको थोड़े में ही ले लेना होगा, क्योंकि ये जितने में आपका टेक्स्ट रहेगा उतने ही आपका टेक्स्ट शो करेगा, तो आप पूरी वीडियो में इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना जितनी आपकी वीडियो होने वाली है इस हिसाब से। और अगर आप इससे भी अच्छा टेक्स्ट देना चाहते हो तो उसके लिए आपको पिक्सल लैब का यूज़ करना होगा, वहाँ से आप बहुत अच्छी टेक्स्ट यहाँ पर दे सकते हो, उसके ऊपर मैं अगली वीडियो बना दूंगा। अगर आप लोग कमेंट करते हो कि पिक्सल लैब से आप जो है इसके अंदर टेक्स्ट कैसे डाल सकते हो, मैं उसके ऊपर भी वीडियोस बना दूंगा। तो दोस्तों कुछ ऐसे आपको करना होगा। फिर इसके अंदर बैकग्राउंड म्यूजिक की बात आ जाती है, तो यहाँ पर आपको ऑडियो पर क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद में आप जो अपने ऑडियो में चले जाना जहाँ पर आपने अपने ऑडियो को डाउनलोड कर रखा है, जैसे कि मैंने यहाँ पर टेलीग्राम में वीडियो ऑडियो को डाउनलोड कर रखा है, यहाँ पर बहुत सारे ऑडियो हैं मेरे, तो यहाँ पर जैसे मैंने इसको क्लिक किया, यहाँ पर टैप कर दिया प्लस पर, तो यहाँ पर मेरा ये ऑडियो नीचे आ चुका। फिर इसके बाद में आपको नीचे इसी लेयर पर क्लिक कर देना होगा, फिर मिक्सर पर क्लिक कर देना होगा, इसको आपको 30 कर देना होगा। 30 करने से क्या होता है, आपकी ऑडियो और आपकी आवाज़ में डिफरेंस नहीं होगा, यानी कि आपकी आवाज़ ज़्यादा होगी और बैकग्राउंड म्यूजिक स्लो होगा, तो इससे वीडियो काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाती है, सामने वाले को लगेगा बहुत मध्यम आवाज़ में जो है आपका बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले कर रहा है। इस हिसाब से यहाँ पर आप जो है इसका बैकग्राउंड म्यूजिक भी दे सकते हो। अब यहाँ पर बात आती है आवाज़ देने की, तो यहाँ पर रिकॉर्ड का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन, आप जो है सिंपल सा आवाज़ दे सकते हो अपना। अगर आप वॉइस ओवर करने के बारे में सीखना चाहते हो तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बना दिया है, आप मेरे चैनल पर जाइए, और इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया है वो उसी वीडियो में मैंने कवर कर रखा है कि आप जो वॉइस ओवर अच्छे से कैसे दे सकते हो प्रोफेशनल तरीके से, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हो। तो गाइज कुछ ऐसे ही आप यहाँ पर एडिट कर पाओगे। एडिट करने के बाद में यहाँ पर आपको ऊपर एरो का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर 720p और 1080p का ऑप्शन मिलेगा, तो गाइज यहाँ पर आपको 1080p पर ही क्लिक करना होगा, क्योंकि आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। और उसके बाद में सेव एज वीडियो पर क्लिक कर देना, इससे आपकी वीडियो जो है रेंडर हो जाएगी आपकी गैलरी में, फिर उसके बाद में आप जो है अपनी पोस्ट कर सकते हो वीडियो को। तो कुछ ऐसे ही मैं अपनी वीडियो को एडिट करता हूँ। फैक्ट फॉर अल्बी करके मेरा एक शॉर्ट चैनल है, वहाँ पर मैं अपनी वीडियोज़ को अपलोड करता हूँ, अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी मिलता है। तो गाइज आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो, बहुत प्रोफेशनल तरीके से मैं अपनी वीडियो को एडिट करता हूँ और अपलोड करता हूँ, और अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलता है। तो दोस्तों अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों आपने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।